आज ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, महिलाओं को निर्वस्त करके उनको अपमानित किया जा रहा है। धन से किया, धन बल से। आप लोग ये बताओ, समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप था इससे पहले कि ये गुंडागर्दी करती है, गुंडों की पार्टी है, बहन जी भी कहती रही और ये भी कहते रहे। अब आप समझ जाओ, अगर हम लोग गुंडाई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो। सत्ता का नंगा नाच सभी को देखने को मिला, बल्कि देश प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित गुंडों को संविधान का गला घोटते हुए और सत्ता का नंगा नाच करते हुए देखा। और आपको बता दें, अखिलेश यादव के सिपा सालारों ने बजा दिया है बिगुल और तहसील स्तर से जबरदस्त कर दिया धरना प्रदर्शन। आपको हम हर तहसील का दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, पार्टी के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि मायावती की सरकार हो या योगी की सरकार, समाजवादी वालों को गुंडा घोषित करते हैं और अगर गुंडई पर ही उतर आए समाजवादी वाले तो आप क्या हाल हो सकता है, सट्टा भी हासिल होगी और जो बेईमानी करी है भाजपा ने वो बेईमानी भी नहीं होगी। बहुत कुछ बताया सपा नेताओं ने और बहुत कुछ आईना दिखाया। योगी सरकार को सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान की अगुवाई में भारी भरकम शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से किया गया। आपको बता दें कि विरोध दिवस तो मनाया, तहसील स्तर से धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सपा जिला अध्यक्ष ने शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखा दिया कि शाहजहांपुर में समाजवादी की सरकार और समाजवादी के लोग कहीं पर से कमजोर नहीं है। सुबह से ही बिगुल बज गया विरोध दिवस का। और आपको बता दें कि तहसील स्तर से धमाकेदार एंट्री समाजवादी वालों की चालू हुई, वो भी कैसे आप खुद ही देखिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें, तहसील स्तर से योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी वालों ने बजाया बिगुल। अखिलेश के सिपा सालारों ने अखिलेश के नक्शे कदम पर वैसे ही विरोध दिवस मनाया जैसे कि उन्होंने कहा था, लेकिन सपा जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। आज ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, महिलाओं को निर्वस्त करके उनको अपमानित किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और अभी हाल ही में चुनाव जो ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उस पर प्रत्याशियों को, जिला पंचायत सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को और BDC मेंबर्स को, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर, धमकाकर, धन बल का लालच देकर, संपत्ति खत्म करने के नाम पर, संपत्ति गिराने के नाम पर और पेट्रोल पंप तमाम संपत्तियां सीज करने के नाम पर डराकर धमकाकर ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के कुर्सियों पर जबरन पूरे प्रदेश में धांधली और जो भ्रष्टाचार खुला नंगा नाच हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। और आज पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार को याद कर रही है कि उनके जमाने में कभी भी
कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई नाइंसाफी नहीं हुई, किसी के खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा नहीं लिखा गया। आज ये समाजवादी पार्टी की के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर और आम जन के ऊपर बेगुनाह उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है, उनके मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज बेरोजगारी पूरे प्रदेश में जो दो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने वादा किया था, प्रदेश की जनता से नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज देख रहे हैं आज रोजगार देने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोजगार छीन रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि तेल कितना महंगा हो गया है, कड़वा तेल 200 रुपए से ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कितनी बढ़ गई है, 100 रुपए से पार हो रहे हैं, और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है, कहाँ गई इनकी सब्सिडी। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर पत्रकार भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर 16 सूत्रीय ज्ञापन आज SDM के माध्यम से हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज तहसीलों पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर, और उसके बाद विशाल प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय को 16 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्याओं का समाधान करने की मांग करेंगे। अगर समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग सड़कों पर निकलकर इस भ्रष्टाचारी निकम्मी संविधान विरोधी लोकतंत्र विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आर पार की लड़ाई। अरे योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे योगी तेरे जमाने में, अरे योगी तेरे जमाने में, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और वहीं योगी सरकार के खिलाफ सपा के राजेश यादव ने भी आड़े हाथों लिया योगी सरकार को, किस अंदाज में आप खुद ही देखिए। धन से किया, धन बल से। आप लोग ये बताओ समाजवादी पार्टी पर क्या आरोप था इससे पहले कि ये गुंडागर्दी करती है, गुंडों की पार्टी है, बहन जी भी कहती रही और ये भी कहते रहे। अब आप समझ जाओ अगर हम लोग कुंडई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा। हम लोग 15 में से 16 सीट पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी पाएंगे और 6 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। राजेश यादव, कुंडई क्या होती है ये हम लोग आने वाले वक्त में इन्हें बताएंगे। दूसरी बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर नवीन जी सरकार के विरोध में जो करना है वो हमारे रंजय यादव जी बोलेंगे। आप लोग 2-4 मिनट इतनी जोर तहसील के प्रांगण में कम से कम आवाज गूंजे अच्छी। आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश की हर तहसील स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी विगत दिनों में जो पंचायत के चुनाव हुए, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, सत्ता का नंगा नाच सभी को देखने को मिला। बल्कि देश ही नहीं पूरी दुनिया ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित गुंडों को संविधान का गला घोटते हुए और सत्ता का नंगा नाच करते हुए देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जहां महिला प्रत्याशी थी, जहां महिला प्रस्तावक थे, उनके हाथ से पर्चे छीनकर फाड़ दिए, उनको नामांकन नहीं करने दिया, उनकी साड़ी उनके कपड़े फाड़ दिए, और विपक्ष के जो भी प्रत्याशी थे उनको धनबल से बाहुबल से डराकर उनको नामांकन नहीं करने दिया। ये लोकतंत्र की खुली हुई हत्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए आज इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम सब समाजवादी पार्टी के पुवाया विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी आज पुवाया विधानसभा के तहसील पुवाया में उपजिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित वोट दिया था। समाजवादियों को जनता ने सत्ता के खिलाफ मत दिया था, लेकिन साजिशकर्ताओं ने, इस सत्ता पक्ष ने अपने प्रशासन को लगाकर जनता को ठग लिया है, जनता के मत को हाईजैक कर लिया है। जनता ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को सरकार के खिलाफ। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव रोजाना लगे हुए हैं, उन्होंने कहा ज्यादा दिन तक ये लोग टिकने वाले नहीं है। साथियों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात बेमानी हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में 3 जुलाई 10 जुलाई 2000 थोड़ा पीछे हट जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ।
पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों समर्थकों पर हमलों के साथ साथ नामांकन पर्चे फाड़ने का कृत्य कर रहे थे। सैकड़ों ब्लॉकों में नामांकन करने में सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोज बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन।